हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने किया था टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमने दो टाइप कवर किए थे, डॉविस मॉनेटरी पॉलिसी और सेकंड था हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी। डॉविस का मीनिंग था मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और हॉकिस का मीनिंग था लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आज के वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। सो टू रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई हैज द टू इंस्ट्रूमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उनको समझते हैं हम। क्वांटिटेटिव को हमने एक और नेम दिया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टूल। क्वालिटेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टूल और क्वालिटेटिव इज कॉल्ड सिलेक्टिव टूल्स। ठीक है, अगर हम क्वांटिटेटिव को दूसरा नेम देना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द इनडायरेक्ट टूल्स और जो क्वालिटेटिव हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट टूल्स। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है कि जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स होंगे दे इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्वालिटेटिव का मीनिंग है दे डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो देर आर टू इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव दोज आर द सिलेक्टिव बेसिस एंड सेकेंड इज द क्वांटिटेटिव दोज आर द जनरल बेसिस। अगर जनरल की हम बात करें तो जो क्वांटिटेटिव होंगे ये डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, डिफाइन वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ये याद रखिएगा। द क्वांटिटेटिव टूल्स डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड द क्वालिटेटिव टूल्स डिफाइन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। किन फील्ड्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये डिफाइन किया जाएगा क्वालिटेटिव टूल में, और कितना पैसा सर्कुलेट करना है, किस वॉल्यूम में मनी को सप्लाई करना है ये किस में डिफाइन किया जाएगा क्वांटिटेटिव में। तो आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो क्वांटिटेटिव टूल्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में जो हमने फर्स्ट टॉपिक्स लिए हैं वो पहला पार्ट है हमारा ओएमओ। ओएमओ का मीनिंग होता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ का मीनिंग है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसको जरा समझते हैं। आपको ये मालूम है कि इन द इकोनॉमी मनी इज सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, इन द इकोनॉमी मनी इज सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो ओएमओ का आखिर मीनिंग क्या होता है? टू सेल द जीसेक, टू सेल द जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टू परचेज द जीसेक इन द मार्केट या फ्रॉम द मार्केट बाय द आरबीआई, that is called open market operation. OMO refers to sale or purchase the G-Sec from or to the market by the RBI, that is called OMO open market operation. That means security का market में बेचा जाना या फिर market से security का खरीदा जाना by the RBI, that is called open market operation. So why RBI need to sell the G-Sec and why RBI need to purchase the G-Sec? If RBI want to inject money in the economy, so in that condition RBI purchase the G-Sec. RBI purchase the G-Sec and in return lend the loan to the bank, bank lend it to the public, so money injected. And if RBI want to absorb money from the market, want to absorb surplus money from the market, so in that condition RBI sell the G-Sec, banks purchase that and in return banks found less fund, that means money supply decreases in the market. So they are the two process, to sell the G-Sec or to purchase the G-Sec. Isko proper samajhte hain definition, I hope ki aapko clear ho gaya hoga definition. Agar hum ye kehte hain ki do condition hai, koi ye market hai, हमने दो कंडीशन ली है, देर आर द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई। क्लाइंट्स में कोई भी हो सकता है, दैट मे बी कॉमर्शियल बैंक, ठीक, दैट मे बी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट
दैट मे बी एलआईसी एंड जीआईसी, कोई भी हो सकता है, ठीक है. इफ दे वांट टू बोरो, इफ एनी क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई वांट टू बोरो लोन, सो दे नीड टू पुट द जीसैक विद इन द आरबीआई. ये याद रखिएगा, इफ एनी क्लाइंट्स ऑफ द आरबीआई वांट टू बोरो द लोन, सो क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई नीड टू पुट द जीसैक विद आरबीआई. यानी कि आरबीआई परचेज द जीसैक, इस कंडीशन में आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई परचेज द जीसैक. जब आरबीआई जीसैक को परचेज करेगा तो यहां पर सेल कौन कर रहा है, हु सेल द जीसैक, द जीसैक सेल बाय द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई बिकॉज दे वांट टू बोरो, ठीक है. तो जब आरबीआई जीसैक को परचेज करेगा तो आरबीआई ऑल्सो मेक एन एग्रीमेंट, आरबीआई ऑल्सो मेक एन एग्रीमेंट टू रिपर्चेज द जीसैक, टू रिपर्चेज द जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है. सो व्हेन क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई वांट टू बोरो द लोन, क्लाइंट्स का मीनिंग कोई भी हो सकता है, कॉमर्शियल बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एलआईसी, जीआईसी, इफ दे वांट टू बोरो लोन फ्रॉम द आरबीआई, सो दे नीड टू सेल द जीसैक. इन दैट कंडीशन आरबीआई परचेज द जीसैक, बट आरबीआई मेक एन एग्रीमेंट टू रिपर्चेज द जीसैक. तो यहां पर यह समझो कि आरबीआई ने सिक्योरिटी को परचेज किया एंड आरबीआई लेंड द लोन टू द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई. तो ये याद रखिए कि व्हेन आरबीआई परचेज द जीसैक, व्हेन आरबीआई परचेज जीसैक, दैट मींस मनी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी. When RBI purchased the G-Sec, money injected the economy and that is called repo auction. Repo auction का मीनिंग है दोस्तों कि when RBI purchased the G-Sec from the market to inject the money, that condition is called repo auction. तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो RBI ने G-Sec को purchase किया और लोन किसको lend कर दिया, clients को. मानो कि यहां पर जो लोन lend किया गया वो अमाउंट था 50 करोड़. हाउ मच अमाउंट, 50 करोड़. तो जब लोन लैंड किया गया था जीसैक को रख के, तो क्या भी रखा गया था, रिपर्चेज एग्रीमेंट. अब जो रिपर्चेज किया जाएगा थ्रू द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई, रिपर्चेज हुआ 56 करोड़ में. लैंड कितने में हुआ था, 50 करोड़, रिपर्चेज कितना हुआ, 56 करोड़. डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 6 करोड़, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड रेपो रेट. तो इस थ्योरी को कोरिलेट कीजिएगा, दैट मींस अंडर द रेपो रेट आरबीआई कैन लेंड टू लोन एनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, बट द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई नीड टू पुट द जीसैक. बट ये याद रखिएगा दैट जीसैक नॉट फ्रॉम द एसएलआर कोटा. ये जो भी जीसैक क्लाइंट्स के थ्रू रखा गया है, व्हेन दे बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई अंडर द रेपो रेट, दैट जीसैक नॉट फ्रॉम द एसएलआर कोटा. क्योंकि हमारे पास एसएलआर में हमने पढ़ा था स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो में कि यहां पर भी कैश हो सकता है, जीसैक हो सकता है, प्लस गोल्ड भी हो सकता है. तो ये सिक्योरिटीज रखी तो जाएंगी बट वो एसएलआर के अलावा होगी, एसएलआर से नहीं होगी. और जब भी रिपर्चेज होगा तो हमेशा लेंडिंग अमाउंट से हायर होगा, और कितना हायर होगा, जितना रेपो रेट का परसेंट होगा. तो रेपो रेट प्रेजेंट में कितना है, 6%. क्या ये समझ में आया आपको. व्हेन एनी ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई वांट टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, सो आरबीआई लेंडेड लोन टू दोज क्लाइंट्स, बट अंडर द विच रेट, रेपो रेट, नॉट अंडर द एमएसएफ, नॉट अंडर द बैंक रेट. अंडर द रेपो रेट आरबीआई लेंड लोन टू एनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, बट पुट द सिक्योरिटी, पुट द जीसैक, नॉट फ्रॉम द एसएलआर, ठीक है. ये जो रिपर्चेज होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज द रेपो रेट. अब दूसरा हमारा क्या था, रेपो ऑक्शन, कि व्हेन आरबीआई परचेज द जीसैक टू इंजेक्ट मनी इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड रेपो ऑक्शन, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं कि रेपो रेट हमारा यहां पर कितना आ गया, 6%, तो ये देखा जाएगा कि ये जो रिपर्चेज टेन्योर होगा, ये टेन्योर क्या हो सकता है, रिपर्चेज टेन्योर हो सकता है 1 day, 7 day and 15 day. Why 1 day, 7 day and 15 day? Because NDTL maintained on the
फोर्टनाइट बेसिस, फोर्टनाइट का मीनिंग है फ्राइडे टू फ्राइडे। तो रेपो रेट के अंडर जो भी लोन लेंड किया जाएगा वो वन डे, सेवन डे या फिर 15 डे के अंडर किया जाएगा। बट अंडर द रेपो रेट आरबीआई लेंड लोन टू एनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और टू सेल द जीसेक, ये याद रखिएगा, क्लाइंट्स नीड टू सेल द जीसेक एंड परचेज बाय द आरबीआई, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो ऑप्शन। एंड अंडर द रेपो रेट मनी इंजेक्टेड इन द मार्केट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं कि व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट एंड व्हाट इज द रिवर्स रेपो ऑप्शन।